हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिक्स करेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक समान होना। जैसे कि अगर दो फिगर्स हैं और अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, यानी वो एक समान है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? उसके लिए हम उनकी शेप और साइज चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है यानी एक समान होती है, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। अगर उन दोनों का शेप और उन दोनों का साइज अगर एक जैसा है तो हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर्स क्या है, वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके पास दो मैथ एनसीईआरटी सेवेंथ क्लास वाली बुक्स हैं। अब दोनों ही बुक्स सेवेंथ क्लास की हैं, मैथ की बुक्स हैं और एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं। तो अगर आप एक बुक को फर्स्ट नंबर मान लीजिए कि ये फर्स्ट बुक है और दूसरे बुक को आप कहेंगे ये सेकेंड बुक है, तो अगर आप सेकेंड बुक के ऊपर फर्स्ट बुक को रखेंगे तो वो जो ऊपर वाली बुक है वो नीचे वाली बुक को पूरा कवर कर लेगी। और अगर आप उल्टा करते हैं, सेकंड बुक को ऊपर की तरफ रखते हैं, फर्स्ट वाली को नीचे रखते हैं, तो वो सेकंड बुक फर्स्ट वाली को पूरी तरह से कवर कर लेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ही बुक्स बिल्कुल एक समान है शेप में भी और साइज में भी। क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया वो यही था कि दोनों बुक सेवेंथ क्लास की है, मैथ के बुक्स है और एनसीईआरटी के बुक्स हैं, तो इस वजह से दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, तो हम कहेंगे ये दोनों बुक्स क्या हैं? ये दोनों बुक्स कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है, आप उसमें से अगर दो पेजेस निकाल लेते हैं तो एक नोटबुक के तो कितने भी पेज आप यूज करें सबका शेप और साइज सेम होता है। तो अगर आप उसके दो पेज निकालते हैं और उनको चेक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों का शेप और साइज सेम होगा। और अगर आप एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर रखते हैं या दूसरे पेज को पहले पेज के ऊपर रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि एक समान होंगे। तो अभी तक हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि दो फिगर्स जिनका शेप और साइज अगर सेम होता है तो वो फिगर्स क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं यानी कि वो एक समान है। तो यहां पर हमें दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को चेक करना होता है। देखिए, यहां पर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया सी डी, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि इन दोनों ही लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक समान है शेप और साइज में, ये एक जैसी हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। दो एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। देखिए, यहां पर हमने ये एंगल आपको दिखाया है 40 डिग्री। एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जब दो रेज आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से ये एंगल देखिए यहां पर बना। तो यहां पर हमारा एंगल है 40 डिग्री का। इसके बाद हमने एक और एंगल यहां बनाया, ये भी 40 डिग्री का ही है, लेकिन यहां पर देखिए ये वाली रे इससे हमने थोड़ी लंबी रखी है लेंथ में, इस वाली रे की लेंथ भी इस वाली रे से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है यानी कि एक समान है, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट 40 डिग्री है। रेस के छोटे या बड़े होने से एंगल्स की मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमने यहां पर 40 डिग्री एक और बनाकर दिखाया है जिसकी रेस बिल्कुल इस वाली रेस से मैच कर रही है। तो ये तीनों ही एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहां तीनों की ही मेजरमेंट 40 डिग्री है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों को कंपेयर करें, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों को कंपेयर करें तब भी ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इन तीनों की ही मेजरमेंट 40 डिग्री है। तो जब भी आप एंगल्स को चेक करते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो उसके लिए आप उनकी रेस को मत देखिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि उन एंगल्स की मेजरमेंट सेम है या नहीं। अगर मेजरमेंट सेम है तो वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट कहते हैं
इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, जब वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, यानी उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। एंड वेन सुपरपोज दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, सुपरपोज मीन्स स्टूडेंट्स कि जब एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो वो नीचे वाले ट्राइंगल को कवर कर सकता है, और जब नीचे वाले ट्राइंगल को आप ऊपर की तरफ रख दें तो वो इसके बाद वो जो नीचे वाला ट्राइंगल होगा उसको कवर कर लेगा। यानी ऐसे ट्राइंगल्स जो एक के ऊपर एक रखे जाने पर एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं, यानी कि एक समान ट्राइंगल्स। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको दो ट्रायंगल्स दिखाए हैं। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पीक्यूआर। और यहाँ पर हमने लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये जो सिंबल यहाँ आप देख रहे हैं, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उनसे क्या-क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर तीन चीजें सीखेंगे कि कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस कौन से हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, फिर हम देखेंगे कोरस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट्स कौन सी है, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं। तो एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि पहला वर्टेक्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है और तीसरा वर्टेक्स सी है। यहाँ पर पहला वर्टेक्स ये पी है, फिर क्यू है, फिर आर है। और जो हमारा सीक्वेंस था लिखने का ट्रायंगल का नाम, उसको ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ लिखा था ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि जो पोजिशन यहाँ ए की है वही पोजिशन इस ट्रायंगल में पी की है। तो ए वर्टेक्स और पी वर्टेक्स ये कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स है, यानी कि दोनों की पोजीशन अपनी अपनी जगह पर सेम है। ऐसे ही जो बी वर्टेक्स है और जो क्यू वर्टेक्स है ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है, और सी और आर वर्टेक्स भी आपस में कोरस्पोंडिंग है। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ए और पी ये दोनों वर्टेक्स कोरस्पोंडिंग है, बी और क्यू ये दोनों वर्टेक्स भी आपस में कोरस्पोंडिंग है, सी और आर ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग है। यानी कि ट्रायंगल के नाम जो आप यहाँ पर लिखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिएगा। आप ऐसे ही कोई नाम नहीं लिख सकते। अगर यहाँ आपने एबीसी लिखा है और यहाँ आप पी क्यू आर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ए और पी कोरस्पोंडिंग होंगे, बी और क्यू और सी और आर भी कोरस्पोंडिंग होंगे। ये तो हमने सीखा कि कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स जो होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोरस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट्स कौन से होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपको कोरस्पोंडिंग साइड्स चेक करनी है कि कौन सी साइड्स कोरस्पोंडिंग है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे? पहले तो ये नामों को देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो यहां से देखिए, अगर हम कहते हैं ए बी लाइन, अगर ए बी लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ए बी किसके कोरस्पोंडिंग होगा? पी क्यू के। ऐसे ही बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी किसके कोरस्पोंडिंग होगा? क्यू आर के। जब हम ए बी कह रहे हैं तो देखिए पहले दो लेटर हैं, यहाँ पर पहले दो लेटर कौन है? पी क्यू। तो ए बी पी क्यू के कोरस्पोंडिंग, बी सी यानी लास्ट के दो लेटर और क्यू आर ये लास्ट के दो लेटर, तो बी सी किसके कोरस्पोंडिंग होगा? क्यू आर के। और अगर हम कहें ए सी, तो ए सी किसके कोरस्पोंडिंग होगा? पी आर के। अब इसी चीज को यहां हम ट्रायंगल्स की जो डायग्राम है इसमें चेक करते हैं। देखिए यहां पर जो पोजीशन ए बी की है इस ट्रायंगल में, वही पोजीशन यहां पर पी क्यू की है। तो ए बी लाइन सेगमेंट और पी क्यू लाइन सेगमेंट आपस में कोरस्पोंडिंग होंगे। ऐसे ही बी सी लाइन सेगमेंट और क्यू आर लाइन सेगमेंट ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग होंगे, और जो ए सी लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर जो ये पी आर लाइन सेगमेंट है ये भी आपस में कोरस्पोंडिंग होंगे। तो जब भी आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स को चेक करना है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि ये जो नाम यहाँ पर लिखे होते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो ये जिस ऑर्डर में ये दोनों नाम होते हैं उसको आपने ध्यान में रखते हुए इन दोनों ट्रायंगल्स में से जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं उनको चेक करना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इस साइड में हमने जो आपको ये दिखाया है कि कौन सी साइड्स आपस में कोरस्पोंडिंग है, और इस साइड में हमने ये दिखाया है कि वो कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल भी हैं। याद रखिएगा कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं। तो जो ए बी साइड है ये कोरस्पोंडिंग है कौन सी साइड के? पी क्यू के, यानी ए बी साइड और पी क्यू साइड आपस में कोरस्पोंडिंग है। देखिए ए बी साइड ये रही और पी क्यू साइड ये रही, इनका कोरस्पोंडिंग होने का ये मतलब है कि जो पोजीशन इस ट्रायंगल में ए बी की है वही पोजीशन इस ट्रायंगल में पी क्यू की है। और अगर ए बी साइड और पी क्यू साइड आपस में कोरस्पोंडिंग है तो ये आपस में इक्वल भी होंगी, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं। ऐसे देखिए एसी साइड कौन सी साइड के कोरस्पोंडिंग है? पी आर के। देखिए ये रही एसी साइड और ये रही पी आर साइड, ये आपस में क्या होंगी? कोरस्पोंडिंग होगी। अब क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स है तो ये आपस में इक्वल भी होंगी। ऐसे ही जो बीसी साइड है ये वाली, ये किसके कोरस्पोंडिंग होगी? क्यू आर के। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो है कोरस्पोंडिंग साइड्स है तो ये आपस में इक्वल भी होंगी। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी है स्टूडेंट्स, कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पोंडिंग वर्टिसेस कौन से होते हैं, जो हमने देखे थे कि ए वर्टेक्स पी के कॉरस्पोंडिंग है, बी वर्टेक्स और क्यू वर्टेक्स आपस में कॉरस्पोंडिंग है, सी वर्टेक्स और आर वर्टेक्स आपस में कॉरस्पोंडिंग है। फिर हमने देखा कि इनकी कॉरस्पोंडिंग साइड्स कौन सी है, जैसे कि ए बी साइड किसके कॉरस्पोंडिंग है? पी क्यू के। बी सी साइड और क्यू आर साइड, ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉरस्पोंडिंग है, और जो ए सी साइड है और पी आर साइड्स है, ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉरस्पोंडिंग है। अब हम देखेंगे कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स आपको ये नामों को ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए, यहां से देखिए ये फर्स्ट लेटर है तो इसके कॉरस्पोंडिंग कौन सा पार्ट आएगा? ये एंगल पी। देखिए अगर यहां से एंगल ए ले रहे हैं तो यहां पर एंगल पी, यहां पर ए फर्स्ट नंबर पे है तो यहां पर पी फर्स्ट नंबर पे है। ऐसे ही जब हम एंगल बी देखेंगे तो देखिए ये सेकेंड नंबर पे एंगल बी आया, तो एंगल बी के कॉरस्पोंडिंग कौन सा एंगल होगा? एंगल क्यू, क्योंकि यहां से देखिए ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है। और जब हम एंगल सी देखेंगे तो एंगल सी के कॉरस्पोंडिंग कौन होगा? एंगल आर। देखिए एंगल सी यहाँ लास्ट में है क्योंकि सी यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, तो आर भी यहाँ लास्ट में लिखा है। तो अगर हम एंगल्स के हिसाब से देखें तो एंगल ए और एंगल बी कॉरस्पोंडिंग होंगे, एंगल बी और एंगल क्यू कॉरस्पोंडिंग होंगे, एंगल सी और एंगल आर कॉरस्पोंडिंग होंगे। इसका मतलब कि जो पोजीशन यहाँ एंगल ए की है वही पोजीशन यहाँ एंगल पी की होगी, जो पोजीशन यहाँ एंगल बी की है वही पोजीशन यहाँ एंगल क्यू की होगी, और जो पोजीशन यहाँ पर एंगल सी की है वही पोजीशन यहाँ पर एंगल आर की है। यहाँ पर हमने आपको ये लिखकर भी दिखाया स्टूडेंट्स कि एंगल ए और एंगल पी आपस में कॉरस्पोंडिंग है। अब क्योंकि ये दो ऐसे एंगल्स है जो कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पोंडिंग एंगल्स है तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पोंडिंग साइड्स हम चेक करते हैं तो वो भी आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये कॉरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल थी, ऐसे ये कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल बी और एंगल क्यू आपस में कॉरस्पोंडिंग है और आपस में इक्वल भी है, एंगल सी और एंगल आर भी आपस में कॉरस्पोंडिंग है और आपस में इक्वल भी है। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उनके कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनसे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स साइड साइड साइड, जिसको हम एस 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 भी कहते हैं। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और उन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इस क्राइटेरिया का यूज करके हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहां पर देखिए फर्स्ट ट्रायंगल हमने लिया एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। अब देखिए स्टूडेंट्स एबी की मेजरमेंट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और पीक्यू की कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड एबी पीक्यू साइड के इक्वल है। ऐसे ही बीसी साइड है 7 सेंटीमीटर, क्यूआर साइड है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी किसके इक्वल है? क्यूआर के।
और जो एसी है वो है 6 सेंटीमीटर और पीआर है 6 सेंटीमीटर। तो एसी और पीआर ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनली हमने लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एस एस एस, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो आपस में इक्वल है। देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड हुई? पी क्यू साइड हुई। बी सी 7 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी के कोरस्पोंडिंग हुई क्यू आर। और ए सी 6 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो ए सी के कोरस्पोंडिंग हुई पी आर। और जब दो ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो हम उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे। सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, जिसे हम एस ए एस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस क्राइटेरिया साइड एंगल साइड को कैसे यूज करेंगे। देखिए यहां पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए ए बी साइड 5 सेंटीमीटर है और यहां पर पी क्यू साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी? पी क्यू साइड। और देखिए ए सी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और पी आर साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो ए सी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी? पी आर। अब देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इन दो साइड्स के बीच में जो ये एंगल है 65 डिग्री है, और यहां पर देखिए इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है ये भी 65 डिग्री है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनमें दो कोरस्पोंडिंग साइड, देखिए ये साइड इस कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के कोरस्पोंडिंग है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, और इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो ये जो एंगल बीच में लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एंगल इक्वल आएगा ये इन कोरस्पोंडिंग साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया काम करेगा। मान लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल ही होती, ये वाली साइड भी इसके इक्वल होती, लेकिन ये दो एंगल्स इक्वल नहीं होते, बल्कि ये एंगल इक्वल दिया होता, यानी कि बी एंगल अगर क्यू एंगल के इक्वल दिया होता या एंगल सी एंगल आर के इक्वल दिया होता, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया काम नहीं करता, क्योंकि साइड एंगल साइड में दो कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, और उन दो कोरस्पोंडिंग साइड्स के बीच के जो ये एंगल्स होते हैं यही एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, और यहां पर भी देखिए साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, दोनों ही 65 डिग्री हैं। ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल है पी आर के, दोनों ही 4 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय एस ए एस, यानी कि बाय साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी दो कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे कि यहां पर ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, और उन दो साइड्स के बीच वाले यानी इंक्लूडेड एंगल्स भी अगर आपस में इक्वल हैं, तभी आप ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अब हम थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, जिसे हम ए एस ए भी कहते हैं। देखिए ये क्राइटेरिया आप तब यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और उन दो ट्रायंगल्स में दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और उन दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बीच वाली साइड भी अगर इक्वल होंगी, तब आप इस क्राइटेरिया को यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखिए एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री हैं, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हुए और आपस में इक्वल भी हैं। ऐसे ही एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ही इक्वल है, दोनों 70 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स कोरस्पोंडिंग भी हुए और आपस में इक्वल भी है। अब हम देखेंगे कि इन दो एंगल्स के बीच में जो ये साइड है ए बी, और यहां इन दो एंगल्स के बीच में जो ये साइड है पी क्यू, क्या ये भी आपस में इक्वल हैं? क्योंकि इन दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बीच वाली जो इंक्लूडेड साइड्स हैं, अगर वो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तभी ये क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल यूज किया जा सकता है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ए बी साइड कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू साइड कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड ए बी इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड पी क्यू के इक्वल है। तो यहां पर यह क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है, एंगल साइड एंगल। तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखिए एंगल ए बी 60 डिग्री है, एंगल पी बी 60 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी भी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और पी क्यू भी आपस में इक्वल हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी भी 70 डिग्री है और एंगल क्यू भी 70 डिग्री है, तो एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ स्टूडेंट्स? बाय ए एस ए, यानी कि बाय एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उन दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बीच वाली साइड्स भी अगर इक्वल है, जिनको हम इंक्लूडेड साइड कहते हैं, तब हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। यहां पर यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो आपस में इक्वल होते, लेकिन ये वाली साइड जो इंक्लूडेड साइड है ये इक्वल ना होती, बल्कि कोई और साइड आपको दी जाती। मान लीजिए कि बी सी और क्यू आर आपको इक्वल दिए जाते, ये भी 5 सेंटीमीटर होता है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तब ये एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया यूज नहीं होता, क्योंकि ये वाली जो साइड्स होती ये इन दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है, तब ये क्राइटेरिया यूज नहीं किया जा सकता। अगर ये दो साइड्स इक्वल होती तब भी ये क्राइटेरिया यूज नहीं होता, क्योंकि ये वाली दो साइड्स ए सी और पी आर भी इन दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही हैं। अब हम अगला क्राइटेरिया देखेंगे। अगला क्राइटेरिया है आर एच एस। यहाँ आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्राइटेरिया आप तभी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हों। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहां पर देखिए पहला ट्रायंगल हमने लिया ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखिए यहाँ जो एंगल बी है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पर अगर आप एंगल क्यू देखें तो ये सिंबल भी 90 डिग्री का है, तो एंगल क्यू भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल पीक्यूआर भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आर के बाद यहाँ दिया गया है एच। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है, और इसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा वो राइट एंगल के सामने वाली यानी अपोजिट साइड। तो यहां पर ये जो एसी साइड आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल एबीसी की हाइपोटेन्यूज है, और यहां पर जो ये पीआर साइड है ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो यहां पर पीआर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहां दिया गया है एस। एस यानी के साइड, यानी के एक आपको दो ऐसे ट्रायंगल्स देखने हैं जिनमें की राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री का एंगल, और दोनों ट्रायंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूस भी इक्वल होते हैं और उसके अलावा कोई एक साइड भी अगर इक्वल होती है, जैसे यहां पर देखिए ये बीसी साइड और ये क्यूआर साइड दोनों ही 6 सेंटीमीटर दी गई हैं, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स में आरएचएस क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी, हमने ये वाला ट्रायंगल एबीसी लिखा यहां पर, एंड ट्रायंगल पीक्यूआर यहां पर लिखा। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री वाले एंगल है यानी कि राइट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ए सी इज इक्वल टू पी आर, देखिए ए सी इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है 7 सेंटीमीटर, पी आर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। और उसके बाद एक साइड भी हमें गिवन दे रखी है, देखिए बी सी 6 सेंटीमीटर, क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, यानी ये ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हैं और दोनों की एक साइड भी इक्वल आ रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कौन से क्राइटेरिया से? बाय आरएचएस। आरएचएस यानी के राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड।
तो आरएचएस क्राइटेरिया में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन होते हैं, यानी कि दोनों में ही आपको 90 डिग्री का एंगल भी दिया गया है, दोनों के हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हैं और कोई दो साइड्स इक्वल हैं, या तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी जाएगी या ये वाली साइड अगर इस साइड के इक्वल होगी तो आप आरएचएस क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।